नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। दिवाली हिंदू धर्म का विशेष त्योहार है। इस दिन लोग घरों की साफ सफाई करते हैं और घर में दिए जलाकर रोशनी की जाती है। इस दिन लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में संपूर्ण भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसे दीपावली भी कहते हैं। रोशनी का पर्व दीपावली सनातन धर्म का प्राचीन पर्व है। ये प्रति वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इस पर्व के साथ अनेक धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। ये पर्व श्री राम के लंकापति रावण पर विजय हासिल करके और 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, देवी सीता और अनुज लक्ष्मण सहित अयोध्या वापस लौटे तो नगरवासियों ने घर घर दीप जलाकर खुशियां मनाई थी। इसी पौराणिक मान्यता अनुसार प्रतिवर्ष घर घर घी के दिए जलाए जाते हैं और खुशियां मनाई जाती है। एक अन्य मान्यता ये भी है कि इसी दिन माता लक्ष्मी अपनी सहेली और साहूकार की बेटी के घर मेहमान बनकर पहुंची थी और तब से ही दीपावली मनाई जाने लगी है। ऐसा ही एक कथा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के भ्रमण से जुड़ी हुई है। आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको ऐसी ही कुछ प्रचलित कहानियां बताने जा रहे हैं जिन्हें दीपावली के पर्व से जोड़कर देखा जाता है। तो जानिए दिवाली की ये पावन कथाएं। पहली और सबसे प्रचलित कथा के अनुसार इस दिन भगवान श्री राम की अयोध्या वापसी हुई थी। इसी दिन भगवान श्री राम रावण का वध करके माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान के साथ अपनी नगरी अयोध्या लौटे थे। देखिए ये खास पेशकश। भगवान राम की हुई थी जीत। रावण का वध कर अयोध्या लौटे थे श्री राम। हिंदू धर्म के महाकाव्य रामायण के अनुसार कार्तिक मास की अमावस्या के दिन ही भगवान श्री राम, माता सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ लंका पर विजय प्राप्त कर अयोध्या वापस लौटे थे। भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के आने की खुशी में पूरा अयोध्या झूम उठा था और दीयों के प्रकाश से उन तीनों का स्वागत किया गया था। रामायण के मुताबिक 14 वर्ष के वनवास के बाद जब श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता के साथ अयोध्या वापस लौटे तो उनके स्वागत में अयोध्या वासियों ने पूरी नगरी को दीयों से सजाया था। यह अमावस्या की रात थी और श्री राम 14 वर्ष के बाद लंकापति रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे। ऐसे में सभी अयोध्या वासियों ने भगवान श्री राम के स्वागत में पूरी अयोध्या नगरी को दीयों की रोशनी से जगमग कर दिया था। इस दौरान हनुमान और उनकी बानरी सेवा भी भगवान राम के साथ अयोध्या आई थी। ऐसे में अमावस्या की काली रात भी दीपक के प्रकाश से जगमगा उठी और मान्यता अनुसार तभी से दिवाली के दिन दिए जलाकर खुशियां मनाई जाने की शुरुआत हुई है। इस दिन को भगवान श्री राम की जीत की खुशी के तौर पर भी मान्यता दी जाती है। एक और कहानी के अनुसार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी भ्रमण के लिए धरती आए थे और इसी दौरान भगवान ने माता लक्ष्मी से नाराज होकर उन्हें 12 साल एक किसान के घर में रहने और उसकी सेवा करने का श्राप दिया था, जिसके बाद माता लक्ष्मी ने 12 साल किसान के घर में रहकर ही बिताए थे। क्या थी ये पूरी कहानी, देखिए इस रिपोर्ट में। भगवान विष्णु ने दिया था माता लक्ष्मी को श्राप। माता लक्ष्मी ने किसान के घर में बिताए थे 12 वर्ष। कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली का पर्व मनाया जाता है और ये पर्व 5 दिन का महापर्व कहलाता है, जो कि धनतेरस से भाई दूज तक मनाया जाता है। दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है और इस पूजन में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है दीपावली की कथा पढ़ने और सुनने के बारे में। इसलिए दीपावली के दिन आपको दीपावली की पौराणिक कथा जरूर सुननी चाहिए। एक बार
भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी सहित पृथ्वी पर भ्रमण करने आए। कुछ देर के बाद भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से बोले कि मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ और तुम यहीं ठहरो। परंतु लक्ष्मी जी भी विष्णु जी के पीछे पीछे ही चल दी। कुछ दूर चलने पर उन्हें गन्ने का एक खेत मिला और लक्ष्मी जी उस गन्ने के खेत में जाकर एक गन्ना तोड़कर खाने लगी। तभी भगवान श्री हरि विष्णु वहां लौटे और उन्होंने लक्ष्मी जी को गन्ने को खाते हुए देख लिया तो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को देखकर क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से पूछा कि जब मैंने तुम्हें मना किया था तो तुम यहाँ क्यों आई। और भगवान विष्णु ने ऐसा कहकर माँ लक्ष्मी को श्राप दे दिया और कहा कि ये खेत जिस भी किसान का है तुम्हें वहाँ जाकर 12 साल तक उसके घर रहकर उस किसान की सेवा करनी पड़ेगी क्योंकि तुमने चोरी की है। ऐसा कहकर भगवान विष्णु तो क्षीर सागर लौट गए और लक्ष्मी जी ने किसान के यहाँ रहकर उसे धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। उस किसान को ये पता ही नहीं था कि उसके घर में साधारण भेष में स्वयं माँ लक्ष्मी जी रहने आई है। 12 साल के बाद लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पास जाने के लिए तैयार हो गई परंतु किसान ने उन्हें जाने से रोक लिया। श्राप की अवधि पूरी होने पर भगवान विष्णु भी माँ लक्ष्मी को स्वयं वापस लेने आए लेकिन किसान ने लक्ष्मी जी को रोक लिया। इस पर भगवान विष्णु ने उस किसान से कहा कि तुम परिवार समेत गंगा स्नान करने जाओ और इन कौड़ियों को गंगा जल में छोड़ देना, तुम्हारे आने तक मैं यहीं रहूंगा। ऐसा सुनकर किसान परिवार सहित गंगा नदी में स्नान करने चला गया और गंगा जी में कौड़ियां डालते ही 4 भुजाएं निकली जिन्होंने वो कौड़ियां अपने पास ले ली। ये देखकर किसान ने गंगा जी से पूछा कि ये 4 हाथ किसके हैं। तब गंगा जी ने किसान को बताया कि ये 4 हाथ मेरे ही हैं। तुमने जो कौड़ियां मुझे भेंट की हैं वो तुम्हें किसने दी है। किसान बोला कि मेरे घर पर एक स्त्री और पुरुष आए हैं। तभी गंगा जी बोली कि वे दोनों लक्ष्मी जी और स्वयं भगवान विष्णु हैं। तुम लक्ष्मी जी को मत जाने देना नहीं तो तुम फिर से निर्धन हो जाओगे। किसान ने घर लौटने पर लक्ष्मी जी को नहीं जाने दिया। तब भगवान ने किसान को समझाया कि मेरे श्राप के कारण लक्ष्मी जी तुम्हारे यहाँ 12 साल रही और 12 साल से तुम्हारी सेवा की। फिर लक्ष्मी जी चंचल हैं, उन्हें बड़े बड़े लोग नहीं रोक सके तो तुम हट मत करो। इसके बाद लक्ष्मी जी बोली, हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो कल धनतेरस है, तुम अपना घर स्वच्छ करना और रात्रि में घी का दीपक जलाना। मैं तुम्हारे घर जाऊंगी, तुम पूजा करोगे तो मैं तुम्हारे घर जरूर विराजमान रहूंगी। ऐसा सुनकर किसान लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा तो उसका घर धन धान्य से भर गया और इसी प्रकार उस गांव के लोग भी माँ लक्ष्मी जी की धनतेरस और दीपावली पर पूजा करने लगे तो उनका घर भी धन्य धान से भर गया और इसी तरह लोगों ने दीपावली का पर्व मनाना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। वहीं एक और पौराणिक कथा के अनुसार माँ लक्ष्मी की एक साहूकार की बेटी से दोस्ती हो गई थी। दोनों अच्छी सखियों की तरह आपस में बातें करने लगी और एक दिन माँ लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी से उन्हें अपने घर बुलाने को कहा, जिस पर साहूकार की बेटी ने माँ लक्ष्मी को अपने घर आने को कहा। सुनिए ये पूरी कहानी। माता लक्ष्मी ने की थी साहूकार की बेटी से दोस्ती। माँ लक्ष्मी भगवान गणेश के साथ आई थी साहूकार के घर। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में साहूकार रहता था। उसकी बेटी हर दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने के लिए जाती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वो जल चढ़ाती थी उस पेड़ पर माँ लक्ष्मी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि वो उसकी मित्र बनना चाहती हैं। लड़की ने जवाब में कहा कि वो अपने पिता से पूछ कर बताएंगी। घर आकर साहूकार की बेटी ने पूरी बात बताई। बेटी की बात सुनकर साहूकार ने हाँ कर दी। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को सहेली बना लिया। दोनों अच्छी सखियों की तरह एक दूसरे से बातें करती। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले आई। लक्ष्मी जी ने अपने घर में साहूकार की बेटी का खूब आदर किया और पकवान परोसे। जब साहूकार की बेटी अपने घर लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने उससे पूछा कि वो उन्हें कब अपने घर बुलाएगी। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपने घर बुला लिया लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण वो स्वागत करने में घबरा रही थी कि क्या वो अच्छी तरह से स्वागत कर पाएगी। साहूकार अपनी बेटी की मनोदशा को समझ गया। उसने बेटी को समझाते हुए कहा कि वो परेशान ना हो और फौरन घर की साफ सफाई कर मिट्टी से चौका लगा दे और लक्ष्मी जी के नाम से 4 बत्ती वाले दिए जला दे। उसी समय एक चील किसी रानी का 9 लाख का हार लेकर साहूकार के घर आ गया।
साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर भोजन की तैयारी की। थोड़ी ही देर में माँ लक्ष्मी भगवान गणेश के साथ साहूकार के घर आई और साहूकार के स्वागत से प्रसन्न होकर उस पर अपनी कृपा बरसाई। लक्ष्मी जी की कृपा से साहूकार के पास किसी चीज की फिर कभी कमी न हुई और इसी दिन को हम हर साल दीपावली के रूप में मनाते हैं। एक अन्य कथा में एक बार माता लक्ष्मी कार्तिक मास की अमावस्या को भ्रमण पर निकली, लेकिन पूरी दुनिया में चारों ओर अंधकार था। वो रास्ता भूल गई और उन्होंने एक चरखे वाली वृद्धा माँ के यहाँ रात बिताई। क्या है ये पूरी कहानी, देखिए। चरखे वाली वृद्धा माँ की कुटिया में रुकी थी माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी ने वृद्धा माँ पर बरसाई थी कृपा। मान्यता है कि दिवाली की रात श्रद्धा और पूजन के माध्यम से जो व्यक्ति देवी माँ को प्रसन्न करता है, उसे जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होती। देवी लक्ष्मी ऐसे व्यक्ति के साथ हमेशा रहती हैं। कई लोग दिवाली की पूजा को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए इस दिन व्रत भी करते हैं। दीपावली को लेकर हिंदुओं में माता लक्ष्मी की एक कथा बहुत प्रचलित है। एक बार कार्तिक मास की अमावस्या को लक्ष्मी जी भ्रमण पर निकली, लेकिन पूरी दुनिया में चारों ओर अंधकार था। वो रास्ता भूल गई तो निश्चय किया कि रात्रि वो मृत्यु लोक में गुजार लेंगी और सूर्योदय पश्चात बैकुंठ धाम लौट जाएंगी। मगर उन्होंने पाया कि सभी लोग अपने अपने घरों में दरवाजा बंद करके सो रहे हैं। मगर इसी अंधेरे में उन्हें एक द्वार खुला मिला जिसमें एक दीपक की लौ टिमटिमा रही थी। वो उस प्रकाश की ओर चल दी जहाँ एक वृद्ध महिला को चरखा चलाते देखा। रात्रि विश्राम की अनुमति लेकर वो उसी कुटिया में रुकी। वृद्धा माँ लक्ष्मी देवी को बिस्तर आदि देकर दोबारा काम में जुट गई। चरखा चलाते चलाते वृद्धा की आंख लग गई। अगली सुबह दूसरे दिन उठने पर उसने पाया कि अतिथि जा चुकी हैं, लेकिन कुटिया की जगह पर एक शानदार महल खड़ा हो चुका था। हर ओर धन धान्य रत्न जेवर बिखरे थे। तब से कार्तिक अमावस्या की रात दीपक जलाने की प्रथा चली आ रही है। लोग द्वार खोलकर लक्ष्मी जी के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे हैं। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। और इसी के साथ हमारी तरफ से आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं।